राहिब कौन था? सुन्नी नहीं था, शिया नहीं था, हिंदू नहीं था, था कौन भाई? ईसाई था ना। औलाद के लिए किस दर पे आ गया? जब तमाम गिरजाघर और तमाम संस्कार पूरे कर लिए, गिरजाघर पे घूम लिया, चर्च पे घूम लिया, गुरुद्वारे पे घूम लिया, मंदिरों पे घूम लिया, लेकिन औलाद नसीब ना हुई। तो किसी ने उससे यही से कहा था कि अगर तुझे औलाद चाहिए तो घर तक भटकने की जरूरत क्या है? अरे रसूल के घर पे जाकर मांग। अगर तुझे औलाद चाहिए, तुझे औलाद चाहिए तो तू कमलियों वाले के दरवाजे पे क्यों नहीं जाता? फिर देखते हैं तू कैसे खाली वापस आता है। अब देखिए जुमला बैठेगा हूँ मैं यहाँ पर है ईसाई बताने वाले ने बताया इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। कहाँ के दरवाजे पे पहुंचा? यासीन के दरवाजे पे पहुंचा, मुजम्मिल के दरवाजे पे पहुंचा, मुदस्सिर के दरवाजे पे पहुंचा, कमने वाले के दरवाजे पे पहुंचा। तू पहले पहुंचेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे औलाद न मिले। सलाम करता हूँ हुसैनियत को। तू दरवाजे पे पहुंचा जहां से कोई खाली नहीं लौटा, राहिब है, चला दरे रसूल पर पहुंचा। अल्लाह के रसूल, ऐ कमियों वाले, ऐ ताहा, ऐ यासीन, ऐ मुजम्मिल, ऐ मुदस्सिर, मेरा औलाद नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। एक मर्दा और पैगंबर इस्लाम ने उसकी पेशानी का मुतालिया किया। अब पेशानी का मुतालिया करने के बाद एक मर्दा और राहिब से खिताब किया, है ईसाई अब मैं देखिए आपको अजमत हुसैन बता रहा हूँ नवास रसूल की अजमत क्या है। हुसैन किस जात के हामिल थे? पहुंचा अल्लाह के रसूल किस्मत में औलाद नहीं, अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल ने पेशानी को पहनना शुरू किया क्योंकि लोहे महफूज का मुतालिया कर रखा था रसूल में। इनमें रसूली के वालिद थे, मुस्तकबिल के हालात से वाकिफ थे। हम अगर रसूल ही कैसे इसे बैठ पर इनमें हो सलावत पढ़े मोहम्मद अली अल्लाह नहीं है।